प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी अब महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बन गई है। सोमवार को एमबीए ने पत्र जारी कर कहा कि तीनों पार्टियां एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी को गठबंधन में शामिल करने पर सहमत है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को लगातार मिल रहे कई झटकों के बीच थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। महाविकास अघाड़ी ने गठबंधन की 30 जनवरी को हुई बैठक में प्रकाश आंबेडकर को आमंत्रित किया था। वहीं आंबेडकर ने अपने प्रतिनिधि और पार्टी के उपाध्यक्ष धैर्यवान पुंडेकर को मीटिंग में भेजा था। पुंडेकर ने कहा कि अगर एमवीए के नेता चाहते हैं कि उनकी पार्टी सीट शेयरिंग में शामिल हो तो उन्हें एक पत्र देकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि अब एमबीए भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। इसके बाद ही एमबीए की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया कि तीनों ही पार्टियां गठबंधन के लिए तैयार हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में आंबेडकर की पार्टी के साथ गठबंधन महाविकास अघाड़ी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को भी काफी वोट मिले थे। कई जगह पर तो वंचित बहुजन अघाड़ी ही दिग्गज नेताओं की हार की वजह बन गई। इसमें अशोक चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे शामिल थे। प्रकाश आंबेडकर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के पड़पोते हैं। उन्होंने दलितों, अन्य पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के सहयोग से अलग पार्टी बनाई थी। एमवीए का मानना है कि वंचित बहुजन अघाड़ी को शामिल करने से उनको कई लोकसभा सीटों पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में हुई फूट को रिकवर करने में भी मदद मिलेगी। वहीं मंगलवार को हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक भी बिना किसी ड्रामे के खत्म नहीं हुई। पुंडेकर ने आरोप लगाया कि एमवीए के नेताओं ने उन्हें घंटे भर इंतजार करवाया। अब 2 फरवरी को महाविकास अघाड़ी की अगली बैठक होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है।